तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छुड़ा देंगे चुनाव के। काश हमारी क्षेत्र में आरएसपी पार्टी क्या फूल कर दिया। दोबारा जब प्रत्याशी उतारूंगा तो हेलीकॉप्टर से वोट मांगने चुरू विधानसभा एनकाउंटर किया था, दारिया एनकाउंटर याद करो। अकेला लड़ रहा हूँ भाई राजस्थान को बचाने के लिए। हक की लड़ाई अगर कोई लड़ता है, अन्याय के खिलाफ जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो हनुमान बेनीवाल और आरएसपी का दरवाजा खुला मिलता है, वहां से न्याय मिलता है। ये आपने सेना को ठेके में दे दिया। जिस प्रदेश में सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में बताना चाहूंगा। सत्ता का संकल्प लेके हम चलेंगे और व्यवस्था बदलेंगे। कौन सी व्यवस्था बदलेंगे? आज हमारी छोटी बेटियां बहने अकेली सड़क पर नहीं निकलती। दरिंदगी की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, उत्तर प्रदेश से भी अपराध में नंबर एक पे चलेगी। पिछले 25 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन कर, दूसरा डिग्री तो ले लेंगे लेकिन रोजगार नहीं। बेरोजगार से तंग आके किसान के बेटे हाथ में बंदूक लेके तो अपराधी बन रहे हैं और ये आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध के अंदर सबसे ज्यादा चूरू के अंदर आप देखोगे, राजगढ़ का इलाका, तारानगर का इलाका, चूरू का इलाका, जिस इलाके के अंदर एनकाउंटर की गूंज भी रही थी, जिस इलाके के अंदर किसान के बेटे को राजनेताओं के इशारे पे पुलिस ने जयपुर ले जाकर एनकाउंटर किया था, दारिया एनकाउंटर याद करो। पुलिस के साथ साथ कई नेताओं को भी जेल जाना पड़ा था, पढ़ाई था। उस समय मैं कहा था किसान के बेटे को परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे विधानसभा के अंदर संघर्ष कर रहा था। ये व्यवस्था में बदलनी है, हमें यह व्यवस्था बदलनी है कि कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। थाने तहसील में कोई किसान फटी धोती और फटी जूती के अंदर जाए उसका सम्मान हो, ठंडा तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक बनाओ, ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर। मैं चाहता हूँ कि अपराधी भूमिगत हो जाए, वो समाधि ले ले, कानून का ऐसा इस राजस्थान के अंदर होना चाहिए। थाने के बाहर लिखा होता है अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, उल्टा हो रहा है। आम जन में डर और अपराधी बियर की बोतल खोलते हैं। ये हालात है भाई राजस्थान, कौन ठीक करेगा इस राजस्थान को बताओ मुझे? आपको लोक देवता तो आएंगे नहीं, ये बालाजी महाराज की धरती है, वीर तेजाजी की धरती है, राम साहब पीर की धरती है। उठो, आपने आपके अंदर वो मजबूती है, सरदार सिंह सुजानगढ़ के अंदर आपने मजबूती दिखाई थी। ये अभी भैया बाबू जी कह रहे थे कि एक दिन चुरू की सीट जीतेंगे, क्या 200 साल बाद जीतोगे क्या? मैं रहूंगा नहीं, किसके लिए जीतोगे? अरे अपनी बात जीतो फिर भी इसके अंदर चुरू की सीट। बहुत अच्छे डोरे डाले कांग्रेस ने, बीजेपी ने, उनके चक्कर में नहीं चला। चला क्या? मैं एनडीए में हूँ, मैं INDI कथित INDI के अंदर एक व्यक्ति जो किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर किसानों का आंदोलन चला, मोदी तीनों कृषक का काले कानून लेकर आए, उस समय सारे किसान नेता मेरे पास है, उन्होंने कहा कि राजस्थान में हलचल नहीं। हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। भाइयों एक मिनट भी नहीं सोचा, किसान का बेटा हूं, जब उनको तकलीफ के अंदर देखा हनुमान बेनीवाल ने मोदी की पुरुषयुक्त थाली को ठोकर मारकर NH8 जाम किया और 70 दिन सड़क प्रदेश का कोई सांसद बेटा, नागौर का सांसद का, चूरू का सांसद भी किसान का बेटा है, झुंझुनू भी किसान का बेटा है, सीकर भी है, छोड़ी क्या किसी ने पार्टी, आए क्या सड़क पे कोई? और जब अग्निपथ आया धरती में मैं खड़ा हूं, चूरू सीकर झुंझुनू, यहाँ के नौजवानों ने, हमारे छोटे भाइयों ने सेना में रहते हुए बहुत बड़ी शहादत दी। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के अंदर भी शेखावटी के जवान मिला करते थे 1947-45-44 की बातें। भाइयों उस जगह कितने राजनीति हावी हो गए, वोट हमारा, नेता दूसरे बन के जा रहे हैं, कब संभलोगे? मैं कह रहा हूँ काम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस भी काम निकाल लो, बीजेपी भी निकाल लो, दिमाग से समझदार बनो और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाल दो। ये समझ आएगी उस दिन आपका खुद का राज बनेगा। आप तो ट्रांसफर पॉलिटिक्स के लिए गिर जाते रहते हो, जाके मेरी ट्रांसफर करा दो, मेरी ट्रांसफर करा दो मंत्री जी, मेरी ट्रांसफर करा दो मंत्री जी, ने अस्पताल में दिखा दिया तो अपना भी देखा, डॉक्टर मंत्री जी का कुछ भी लगाएगा क्या? ये काम आपको करना मेरे भाइयों, ठगी का शिकार मत बनो। मैं ये व्यवस्था बदलना चाहता हूँ, मैं पूरा राज आपको देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरा राज आपका हो, जहाँ फ्री बिजली हो, माइनिंग आपकी खुद की हो, बजरी किस तरह बजरी माफिया पनपा राजस्थान में, कोई बोला क्या बजरी माफिया के खिलाफ? एक व्यक्ति लड़ाई लड़ी, 12 रैली करी और बजरी माफिया को कह दिया, बजरी माफिया को हनुमान बेनीवाल। आज मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, क्या गहलोत के डर से थोड़ी आ रहे हैं? RLP के डर से, लिस्ट जारी हो रही है RLP के डर से। किसने पैदा किया RLP का डर? हनुमान बेनीवाल ने। पूरी जवानी 3 में मंत्री बन जाता,
2018-19 मोदी के वहां बन जाता कैबिनेट, लोग मंत्री जी कहते मेरे पीछे भी घूमते। मैंने पूरी जिंदगी जवानी तुम्हारे नाम समर्पित किया कौम और किसान के नाम, अभी नहीं सुधरोगे मेरा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सीटें तो आएगी इस बार आरएलपी पार्टी की, लेकिन तुम चूक जाओगे, तुम याद करोगे जब रिजल्ट आएंगे उस समय सोचोगे, ये उठो ये मत कर कि बीजेपी ने उसको दे दिया टिकट, तुम्हें क्या करना बीजेपी कांग्रेस से, अगर बीजेपी का तुम्हारा उम्मीदवार जीत भी जाएगा तो उसको मोदी के वहां गोदी में और वसुंधरा या 12 दूल्हे घूम रहे उनकी गोदी में बैठना पड़ेगा, जाकर तुम्हारा नहीं होगा, वही जयकारा लगाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, और कांग्रेस जो जीतेगा वो गहलोत का जयकारा लगाएगा या पीड़ित का या पप्पू का जयकारा लगाएगा, आपका जयकारा कोई नहीं लगाएगा, किसान को उनकी बात कोई नहीं करेगा। भाइयों समझ के साथ आगे बढ़े, देखिए कांग्रेस टिकटें बांट रही, बीजेपी भी बांट रही है, मेरी टिकटें मुझे बांटनी है, आपको पूछ के बांटूंगा टिकटें, मैं तो टिकटों की सूची में ही जारी करता था, मुझे कौन मना कर रहा था, 25-30 की तो खरीद था पहले, फिर 30 की और कर देता, लेकिन मैं सत्ता संकल्प यात्रा के लिए निकला हूँ, कहीं ये नहीं हो जाए आप सोच रहे हनुमान जी तो मारवाड़ भी निकाल नहीं जाता, चूरू सीकर झुंझुनू बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ टोंक तमाम जगहों पर होता हुआ फिर जयपुर के अंदर आऊंगा और जयपुर में इस यात्रा का समापन करूंगा। सूची मेरी भी एक दो दिन के अंदर आएगी, सूची में दमदार योद्धा आएंगे, मजबूत आएंगे, उसके बाद ऐसा व्यक्ति जो चाह रहा है 18 में जो 80 लाख वोट मिला था कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इस बार 1.5 से 2 करोड़ वोट मिलेगा, नया 90 लाख वोट जुड़ा है, मैं चाहता हूँ वोट बिखरे नहीं, वोट एक जगह है, ये मैं चाहता हूँ गठबंधन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अन्य दलों के साथ गठबंधन के साथ उतरे ताकि हमारा सत्ता पे कब्जा हो, मैं प्रयास कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, गठबंधन हो या नहीं हो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी तरफ से तो गठबंधन रेडी है, इसको अगला करना चाहेगा गठबंधन भी हो जाएगा, और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत तरीके से ताल ठोकी जाए चुनाव के अंदर और इन दोनों को सबक सिखाया जाए, ये सही है, दोनों सरकारों को आपने देखा और अभी भी जो 2-3 तरह के वर्ग हैं उनका काम ही वोट देना ही है, कई लोग वोट देने के लिए धरती पर आते हैं, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कई लोगों ने मजे लिए थे खाली देखते थे, लोग यहाँ हिंदुस्तान में एक बात कहते हैं राजस्थान में भी कि भगत सिंह होना चाहिए, बोला आपके घर में, बोले नहीं पड़ोस के घर में, मेरा बेटा जिंदा रहना चाहिए, भगत सिंह दूसरी जगह हो जाए और राजीनामा, ये सोच लो, सोच को बदलनी होगी भाइयों, हनुमान बेनीवाल अकेला कब तक लड़ेगा, मुझे सेकंड तैयार योद्धा चाहिए जिनके लिए मैं वोट मांग सकूँ राजस्थान के अंदर, पहले के नेताओं ने अगर झंडा दिया होता आज मैं अकेला थोड़ी घूमता, मैं 20 साल पहले झंडा पकड़ लेता सत्ता के अंदर आपकी एंट्री करा देता, झंडा भी नया है चिन्ह तो पुराना आपका वापस बोतल ले आया था जो छीन के भागे कांग्रेस बीजेपी वाले, और डंडा झंडे के साथ डंडा भी आपको दिया, हरियाणा में आपने देखा होगा झंडे के साथ डंडा भी चला था, तो ये दिया आपको, अगर हरियाणा बीजेपी का झंडा होता तो ले जाते वापस आप राजस्थान का ही झंडा और डंडा, पंचायत चुनाव में भी देखे पालिका चुनाव में आपने देखा 5 प्रधान 1 म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन 1 सांसद और 3 विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत उपस्थिति रही है और हर जगह बात चली, दलित शोषित पीड़ित मुस्लिम ओबीसी हर एक व्यक्ति ये बात करता है, ब्राह्मण बनिया राजपूत भी ये बात करता है, लोकसभा के अंदर भी देखा था, विधानसभा के अंदर भी मेरे तीनों योद्धा कितने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, जब पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी बजरी माफिया का आतंक था, जब राजस्थान के अंदर दलित युद्ध का वीडियो आया मैं लड़ा था सड़कों पे, मेरा चालान हुआ था, मुझे तो मेरे पे दर्द हुआ था, एक नहीं सोच संघर्ष मेरे बता दूंगा इस राजस्थान के अंदर, ओंकार के माध्यम से स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, 500 करोड़ की बिजली माफ कराई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर अगर हवा दी तो नागौर सांसद की नागौर की हुकार बाड़मेर की हुकार ने मंदसौर में MP में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी की बात देश में चली, अब बीजेपी कांग्रेस को कह रही है तुम कर्जा माफ करो, कांग्रेस कह रही तुम करो, कर्जा माफ तो होगा किसी ने किसको करना होगा, बात तो चली कर्ज माफी की बात अगर चलाई तो नागौर के सांसद और इन छोटे भाइयों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप देश के अंदर किसानों की कर्ज माफी की बात चलेगी, आपको विश्वास इस बार आप एक ही नारा था जिस तरह अंग्रेजों को भारत छुड़वाने का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942 में चला, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत हमारा, ये नारा आप राजस्थान के अंदर दो, भाजपा भगाओ कांग्रेस भगाओ राजस्थान बचाओ और आरएलपी लाओ, ये नारा जब तक राजस्थान नहीं देगा किसान नहीं देगा तब तक भाई राजस्थान नहीं जगेगा, हम ही वो लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी थी, चाहे जागीरदारी प्रथा का अंत किया,
संबंधित ताकतों से लड़े, लेवी को वापस करवाया, किसान आंदोलन में मोदी को झुकाया, प्रदेश की सरकारों को झुकाया, इसी कौम ने झुकाया, किसान कौम ने झुकाया, मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लो, छत्तीस कौम आने को तैयार है लड़ने के लिए, योद्धा बनके रक्षक बनके आगे की तरफ चलो, अपने आप लोग पीछे हो जाएंगे। आप सबने सम्मान दिया, ऐतिहासिक कार्यक्रम चुरू के अंदर कराया।